तो आज दीपांशु भाई के साथ मुलाकात हुआ। आज मैं हम दोनों ट्रैक करने जा रहा है माउंट सिल्कल। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में आएगा सोच के मैं एक्सपेक्ट किया था, बुलाया था, लेकिन इतना जल्दी आएगा सोच के मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो भी है आने के लिए थैंक यू। अरे यार थैंक यू आप लोग जो आप मुझे अपने घर में रख रहे हो सब कुछ। हम लोग उम्मीद करता है कि आपके थ्रू से हम लोग का जो डिमांड और डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म और असम टूरिज्म को और आगे बढ़ाए। थैंक यू भाई, थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट ललबेन भाई, स्पेशली आप मुझे यहाँ इनवाइट कर रहे हो और मुझे ट्रैक भी करवा के आ रहे हो, थैंक्स अ लॉट इस चीज के लिए। बहुत ज्यादा खुश। मैं पिछले 4-5 साल पहले मैं आपका फॉलोअर था। अरे थैंक यू यार भाई। हम है सिल्कल पीक पे। आप भी नाम भूल गए क्या? दीपांशु भाई के साथ में अभी आज में हम दोनों ट्रैक किया था। अच्छा लगा? दिन कैसा लगा? मस्त था यार काफी। स्टार्टिंग मुझे लग रहा था कि काफी डिफिकल्ट ट्रैकिंग होगी, लेकिन काफी इजी थी यार। एक दो बार आराम करके आप ऊपर आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचोगे यहाँ के जो व्यूज हैं खतरनाक मस्त है यार। और दिमासा को आप हम लोग का दिमासा डिस्ट्रिक्ट को आप टूरिज्म का फील्ड में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत अच्छा है यार, काफी अच्छा है। खास करके यहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं ना बहुत अच्छी हैं। अगर मान लो किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप लोगों को उतने ज्यादा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, तो असम के अंदर दिमा असाव के थ्रू आप पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग ट्राइब्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे और अच्छे अच्छे नज़ारे भी मिलेंगे। तो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम कम होने के चक्कर में आप मिजोरम नहीं जा पा रहे हो या फिर नागालैंड नहीं जा पा रहे हो। टाइम कम है तो यहाँ आ जाओ, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको एक साथ, रोड भी अच्छे हैं। और आपके साथ मैं थ्री क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको। पूछिए। जितना अभी तक जितना ट्रेवल किया है एक्सपीरियंस में, आपका एक्सपीरियंस में हाँ, सबसे मेमोरियल ट्रिप कौन सा वाला था? मेरा यार मंगोलिया और अरुणाचल और मिजोरम भी काफी सही था। ईरान पे यार मेरे को सारी लगभग ईरान मंगोलिया और मेरी वो ट्रिप भी बहुत मेमोरियल है। क्या नाम, अभी कजाकिस्तान जाके आए, वहाँ पे 2-3 ऐसे एक्सपीरियंस हुए वो भी बहुत खतरनाक थे। तर सही है। और सबसे खतरनाक वाला, अगर मोस्ट स्केरियस एक बार मैं आर्मेनिया में एक पहाड़ के ऊपर ट्रैक कर रहा था, तब मैं मरते मरते बचा था। एक बार मैं रशिया में ही चेकिंग कर रहा था, तब मैंने ब्राउन बेयर को देख लिया था, भूरा भालू मार देता है इंसान को, बस उस दिन मरते मरते बचा था। एक बार मेरा सीन हुआ था मंगोलिया में जब डेजर्ट क्रॉस किया था हमने, वो वाला भी काफी डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत फन था उसमें भी। और तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस तो बहुत हुए हैं, पर ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और एक हाँ, कई एक बार कैंपिंग की थी मैंने श्रीलंका में रावण के पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे बड़ा डर लगा था मेरे को, क्योंकि रात को बिजली चमकने लग गई थी और मुझे लाइटनिंग से बड़ा डर लगता है। और खास करके जब आप अब जैसे मान लो बादल गरज रहे हैं और आप इस पीक के ऊपर कैंपिंग कर रहे हो, तो फटेंगे ना आपकी कि यार कहीं यहाँ पे ना गिर जाए, वो तो हो गए। तो वो वाला सीन था, बाकी सब सही है ऐसा कुछ मतलब कि, लेकिन जो थोड़ा वो डरावना एक्सपीरियंस होता है बाद में वो मेमोरी बन जाती है। आप की बताते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ये है यार। और जितना अभी तक अभी जर्नी जब स्टार्ट किया, इनका कुछ पीछे का कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी मोटिवेशन कुछ है क्या? ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं यार, एक वीडियो देख के मैं सॉरी बहुत नींद आ रही है। हाँ, एक वीडियो देख के मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला था। उस वीडियो का नाम था हाउ टू ट्रैवल विद ऑलमोस्ट नो मनी। उस वीडियो को देखने के बाद काफी मतलब कि इंस्पायर हो गया था मैं, और अगले दिन मैंने मानी यार यही करना है मेरे को। और लास्ट में आपका जर्नी में बिहाइंड द सीन्स में आपका बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, स्ट्रगल तो हो गई, ये स्ट्रगल यार सबके होते हैं, किसके नहीं होते हैं। मेरा ऐसा कुछ सबके स्ट्रगल यार है, सबके स्ट्रगल यूनिक होते हैं, सबका स्ट्रगल होता है। तो स्ट्रगल आपने कल रात को देखा ही होगा कि कैसे सारी चीजें, ट्रिप भी करनी है, वो गैजेट भी चार्ज करने है, नींद कभी आती है कभी नहीं आती, चलना भी है, वो सब सारा देखना पड़ता है। छोटे मोटे स्ट्रगल यार हर काम में होते हैं। अब आप कोई नया काम स्टार्ट करोगे स्ट्रगल तो वहाँ पे भी आएंगे। तो किसी का भी स्ट्रगल एक्सक्लूसिव नहीं है, सबके अपने अपने हैं यार। मेन क्वेश्चन है कि आप कैसे ओवरकम करते हो और कैसे हैंडल करते हो? ओवरकम करने का तो यार ऐसा
यार अंदर की चाय इतनी है कि मेरे को ओवरकम करने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार। हाँ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन लगता है कि नहीं यार, जैसे कई बार अगर वीडियोस अच्छे से परफॉर्म नहीं करती तो गंदा लगता है, लेकिन डीप डाउन पता है कि क्या चीजें चलेंगी तो वो ऊपर नीचे होके चीजें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना ही है, थैंक यू।